Very, very good afternoon, bachcho. Most welcome to Classipat, your very own favorite channel, and most welcome to your English educator session. So, बच्चों जैसे आप सबको पता ही है कि हम क्लास सेवन्थ की इंग्लिश कवर कर रहे हैं, तो हम लोगों ने आपकी जो मेन टेक्स्ट बुक है हनीकूम, उसके हमने सारे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं और अब हम कर रहे हैं एन एलियन हैंड. और ये है बच्चों एलियन हैंड का 6th चैप्टर, आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज. सो ये थोड़ी सी हॉरर सॉर्ट ऑफ अ स्टोरी है, बहुत हॉरर नहीं है पर थोड़ी सी घोस्टली सॉर्ट ऑफ अ स्टोरी है, समथिंग डिफरेंट, अ डिफरेंट जॉनरा ऑल टुगेदर. आई एम श्योर यू ऑल विल लव रीडिंग दिस स्टोरी एंड सो डिड आई. इट इज़ क्वाइट रिवेटिंग, इट कीप्स यू एंगेज्ड एंड ग्रिप्ड, यू डेफिनेटली विल पे अटेंशन राइट टू द एंड. सो येस, आई थिंक मैंने आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट जगा दिया है ऑलरेडी इसमें, सो लेट्स गो अहेड विदाउट एनी फर्दर डिले. बट बिफोर दैट बच्चों, यू ऑल कैन एसेस स्कूल एग्जाम्स विद अन अकेडमी की प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक इन फैक्ट, एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माई कोड SOS10 टू बाय योर सब्सक्रिप्शन. देन इज बच्चों मोस्ट वेलकम, यू ऑल नो माई नेम, ठीक है? आप सबने मुझे देखा ही है अन अकेडमी क्लास सिक्स पे, आप सबको क्लास सिक्स की इंग्लिश पढ़ाते हुए, तो यहाँ पे आप लोग मुझे एक स्लाइटली डिफरेंट रोल में देख रहे हैं, क्लास सेवन्थ की इंग्लिश पढ़ाते हुए. तो सभी बच्चे वीडियो को देखा करो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करो, ताकि मैम की वीडियो में मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यूज़ आ जाएँ, और ये आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है? सो येस, अन अकेडमी क्लास सिक्स का टेलीग्राम चैनल, अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट आपको हर एक सेशन का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे. एंड बग्स बाउंटी, व्हाट इज बग्स बाउंटी? अगर आपको किसी भी एजुकेटर का कंटेंट इन अप्रोप्रिएट लगता है तो आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं, एंड विद इन नो टाइम हमें आपको उसका कुछ तो बेनिफिट मिलेगा. या एंड इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दैट्स इंपॉर्टेंट. सो येस, हियर इज आस्क आउट, घर बैठे बैठे सवाल पूछने का, अनलिमिटेड सवाल पूछने का आपको मौका मिलेगा, एंड विद इन नो टाइम यू विल गेट एन आंसर. तो बच्चों आस्क आउट में जो है आपको जो जवाब मिलेंगे वो आपको मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ वीडियो सॉल्यूशंस इन इंग्लिश एंड हिंदी, जो भी लैंग्वेज आप चूज करें. नाउ यू ऑल कैन आस्क आउट एनी टाइम थ्रू आउट द डे, ठीक है? और आपको जो सॉल्यूशंस मिलेंगे वो बहुत ही इंस्टेंट और बहुत ही एक्यूरेट होंगे. Now let's see how you're going to use this feature. So you go to the Unacademy app, click on Ask a Doubt, take a picture of your doubt, and then you got to crop it. Crop करने के बाद में आप अपने subject choose करें, यानी कि subject choose करें से मेरा मतलब है आपका doubt किस subject में से है, उसको choose करें और फिर अपना question भेज दें. बहुत interesting feature है, बिल्कुल free है, कोई subscription आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है. Simply आप Unacademy app को download करके इसको try कर सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा, ज़रूर use करें इसको. चलो बच्चों, आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज, तो है ना थोड़ा स्ट्रेंज सा टाइटल, मतलब मैं सोचता हूँ यार क्या स्टोरी होगी इसके अंदर, कुछ समझ तो आ नहीं रहा टाइटल में से. सो यही कमाल है स्टोरी का कि आपको टाइटल से कुछ समझ ही नहीं आएगा, इनफैक्ट एंड तक आपको समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, मतलब इन द सेंस समझ नहीं आएगा, इन द सेंस कि आप एंड तक फिगर आउट करते रहोगे कि ओके वेयर इज द स्टोरी टेकिंग. चलो लेट्स गो अहेड. ओके, मिस्टर पर्सेल डिड नॉट बिलीव इन गोस्ट. Nevertheless, the man who brought the two doves and his strange act immediately thereafter left him with a distinct sense of the uncanny. तो कह रहे हैं, author कह रहे हैं कि Mr. Purcell जो थे वो मतलब भूतों में believe नहीं करते थे, लेकिन एक बार एक ऐसा incident हुआ उनके साथ एक इंसान की वजह से, और उसकी वजह से हुआ ये कि उनकी उनको मतलब अजीब, अनकैनी इज समथिंग विच इज़ अननेचुरल, विच इज़ अजीब, विच इज़ विच विच यू यू इट्स काइंड ऑफ घोस्टली बेसिकली आप कह सकते हो. तो बट उस इंसिडेंट के बाद उस इंसान जिसने ड्रग्स खरीदे थे उनकी दुकान से, और फिर उसने जो भी उन ड्रग्स के साथ इमिडिएटली किया, उसकी वजह से मिस्टर पर्सेल को लगने लगा कि शायद कुछ ना कुछ तो अजीब होता है, कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है. As though behind his departed customer, there had lingered the musty smell of an abandoned haunted house. तो वो जो incident था वो कुछ ऐसे type का incident था, as if कि उस बंदे के जाने के बाद में lingered मतलब रह जाना, ठीक है? So ऐसा वो incident था कि उस बंदे, ऐसा लगता था उस बंदे के जाने के बाद में शायद उनकी you know shop के अंदर एक musty सी smell, musty is like अजीब सी स्मेल जो है उनके, जैसे कि एक हॉन्टेड हाउस में थोड़ा अजीब सा, आप देखोगे तो और भी अजीब होता है, होता ही अजीब है ना, मुझे ऐसे अजीब सी
स्मेल जैसी होती है विच मेक्स यू फील दैट इट इज हॉन्टेड, तो वही वैसे ही उनके यू नो उनको कुछ ऐसी फीलिंग आई कि उस बंदे के जाने के बाद उनकी शॉप के अंदर वैसी ही एक अजीब सी. सो बेसिकली उस इंसिडेंट के बाद, अब ये क्या इंसिडेंट है ये हम पढ़ेंगे आगे, बट उस इंसिडेंट के बाद मिस्टर पुरसल स्टार्टेड बिलीविंग ओके शायद कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं दुनिया में. ओके, मिस्टर पुरसल वॉज अ स्मॉल फसी मैन, रेड चीक्स एंड अ टाइट मेलन स्टमक. लार्ज ग्लासेस मैग्निफाइड हिज आईज सो दैट सो एज टू गिव हिम द अपीयरेंस ऑफ अ वाइज एंड अ जीनियल आउल. सो मिस्टर पुरसल की पहले अपीयरेंस को डिस्क्राइब किया हुआ है, उनके फसी इज लाइक जो मतलब थोड़ा सा हर छोटी छोटी चीज़ पे ध्यान देने वाला वैसे टाइप का इंसान था. एंड उनका जो पेट था ऐसे मेलन जैसा एक स्टमक था, रेड कलर के उनके चीक्स थे और ऐनक पहनते थे. वो जीनियल इज समबडी हु इज वेरी फ्रेंडली, सो वाइज एंड एक समझदार और एक फ्रेंडली इंसान की उनको लुक देता था. ही ओन्ड अ पेट शॉप, ही सोल्ड कैट्स डॉग्स एंड मंकीज, ही डेल्ट इन फिश फूड एंड बर्ड सीड्स, prescribed remedies for ailing canaries and displayed on his shelf long rows of ornate and glitter glided cages. So basically Mr. Purusil jo hai wo ek pet shop own karte hain, unke shop mein dogs, cats, birds, monkeys ye sab cheeze wo bechte hain and wo fish food bhi bechte hain, bird ke seeds bhi bechte hain, ye sab cheeze wo bechte hain. Aur रेमेडीज़ वो बताते थे लाइक अगर कोई एलिंग इज़ बीमार, कैनरीज आर येलो कलर्ड बर्ड्स, अगर कोई भी कैनरी बीमार हो जाता था तो उसके लिए वो रेमेडीज भी बताते थे. और उनकी शेल्फ पे, शॉप की शेल्फ पे ना मतलब लंबे ऑर्नेट, ऑर्नेट होता है सजे हुए, सो ऑर्नेट एंड ग्लाइडेड केजेस, तो बड़े बड़े सुंदर केजेस उनके शॉप के शॉप की शेल्फ पे लगे रहते थे. ओके, ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ समथिंग ऑफ अ प्रोफेशनल मैन, खुद को मतलब अपनी ऐसे बोलते ना अपनी पोर में रहते थे एकदम. अ कॉन्स्टेंट स्टर ऑफ मूवमेंट प्रवेडेड हिज शॉप, विस्पर ट्विटर स्लाई रसलिंग स्क्वील्स चीप्स एंड सडन क्विक्स क्विक्स. तो बेसिकली कहने का मतलब है उनकी शॉप में ना थोड़ी 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 छोटी 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 ऐसे मूवमेंट्स होती, आवाज़ें आती रहती थी. विस्पर ट्विटर्स रसलिंग इज आवाज़, ऐसे पत्ते की हिलने की आवाज़ होती है. स्क्वील्स अगेन इज साउंड, चीप्स ये सब छोटे छोटे अलग अलग साउंड्स के नाम हैं. एंड सडन स्क्वीक्स, स्क्वीक इज अगेन लाइक अ साउंड. ठीक है, तो ये ऐसी ऐसी सब अजीब अजीब आवाज़ें जो हैं उनकी शॉप में आती रहती थी. तो उनको वो भी उनको इग्नोर करते रहते थे क्योंकि भाई शॉप में इतने सारे पेट्स रखे हुए हैं तो ऑब्वियसली आवाज़ें तो आएंगी. ओके, स्मॉल फीट स्कैम्पर्ड इन फ्रैंटिक सर्कल्स, फ्राइटेंड बिविल्डर्ड ब्लाइंडली सीकिंग अक्रॉस द शेल्फ पल्स्ड हिज एंडलेस फ्लिकर ऑफ लाइफ. तो मतलब एक एक आवाज़ सी उनको शॉप में आई, मतलब ऐसे लग रहा था कि फीट स्कैम्पर, स्कैम्पर का मतलब होता है रन, ऐसे लग रहा था कि कोई जैसे भूतिया आवाज़ कोई चल कर आ रहा है और कोई ऐसे गोल गोल घूम रहा है. फ्रैंटिक इज क्रेजी, तो सर्कल्स में कोई ऐसे बार बार घूम रहे ऐसी कुछ आवाज़ उनको आ रही थी. ठीक है, अक्रॉस द शेल्व्स पल्स्ड हिज एंडलेस फ्लिकर ऑफ लाइफ, तो ऐसा लग रहा था कि किसी अननोन चीज़ की स्टेप्स की आवाज़ जो है बार 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 उनकी शॉप में आ रही है. तो मिस्टर पुरसल भी इग्नोर करते रहते थे क्योंकि वो तो उनका नॉर्मल ही था, मतलब ऐसा तो कुछ हमेशा मतलब उनकी शॉप में आवाज़ें तो आती रहती थी. बट द कस्टमर्स हु केम इन सेड आर दे क्यूट, बट द कस्टमर्स हु केम इन सेड आर दे क्यूट, लुक एट दैट लिटिल केज देयर स्वीट. Mr. Purcell himself would smile and briskly rub his hands and empathetically shake his head. तो ये आवाज़ें बेसिकली उसको अपनी शॉप में आती रहती थी. तो एक दिन ऐसी आवाज़ आ रही थी, तो यूजुअली क्या होता था कि उनके जो भी शॉप में कस्टमर्स आते थे तो यू नो वो आते थे और वो बोलते थे अरे ये पेट कितना क्यूट है क्यूट है. मिस्टर पुरसेल जो है वो मतलब वो स्माइल करते थे, बड़े वार्मली वेलकम करते थे और फिर बोलते थे हाँ एक्चुअली बहुत ही क्यूट है. सो यू नो ही हैड दैट नैक टू एंगेज द कस्टमर्स. ईच मॉर्निंग व्हेन द रूटीन ऑफ रूटीन ओपनिंग हिज शॉप वॉज कम्प्लीटेड, इट वॉज द प्रोप्राइटर्स कस्टम टू पर्च ऑन अ हाई स्टूल behind the counter, unfold his morning paper and digest the day's news. तो proprietor होता है owner. तो author कह रहे हैं कि रोज़ सुबह जब उनकी shop खुलती थी तो मिस्टर पुरसेल का ये रहता था, मतलब उनका routine रहता था कि वो
तुमने अपने स्टूल पर बैठना, फिर अपने पेपर को अनफोल्ड करना, पूरी न्यूज़ पढ़नी, फिर मतलब पूरे एक्सप्रेशन दे दे के, एज ही रेड ही वुड स्मर्क, स्मर्क इज लाइक स्माइल, फ्राउन मतलब गुस्सा, रिफ्लेक्टिवली पर्स हिज लिप्स ऐसे करना, नोइंगली लिफ्ट हिज आईब्रोज, आईब्रोज मतलब पूरे टाइप के एक्सप्रेशन वो देते थे, नॉड एंड ग्रेव अग्रीमेंट मतलब मान जाना, सो मतलब वो पूरे एक्सप्रेशन दे देकर न्यूज पेपर अपना पढ़ते थे. He read everything, even advice of the love loan and detailed columns of advertisements. So, pura newspaper wo roz padte the. It was a rough day. A strong wind blew against the high plate glass windows. Thoda sa rough sa din tha. To bahut hi thand thi basically. Smoke filled the wintry city and the air was grey with a thick frost. To smoke filmed. Film ka matlab hota hai cover karna. तो स्मोक ने पूरे सिटी को कवर किया हुआ था, थिक फ्रॉस्ट थी. सो बेसिकली मतलब वो दिन जो था उस दिन मतलब बहुत ही ठंड थी. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, अब देखते हैं ये क्या हुआ, वी विल चेक आउट. हैविंग कंप्लीटेड हिज यूजुअल टास्क्स, मिस्टर पर्सल अगेन माउंटेड द हाई स्टूल, अनफोल्डेड हिज मॉर्निंग पेपर, ही एडजस्टेड हिज ग्लासेस एंड ग्लांस्ड एट द डेली हेडलाइंस. तो अपने आराम से वो बैठे हैं, अपना न्यूज़पेपर खोल के पढ़ रहे हैं. चर्पिंग एंड स्क्वीकिंग एंड म्यूइंग वाइब्रेटेड all around him, yet Mr. Purcell heard it no more than he would have heard the monotonous ticking of a familiar clock. To uske aage piche awaaz aa rahi hai, mewing is squeaking, ye sab chirping, ye sab awaazein hain, right? To ye sari vibratory sound usko aa rahi thi, but monotonous is like something jo roz hota hai. To Mr. Purcell ne bhi ignore kar di ki are haan ye to roz ka hi kaam hai, matlab roz hi aati hai, so he just ignored. There was a bell over the door that jingled whenever a customer entered. तो उनके डोर के ऊपर एक बेल थी जो हिलती थी जब भी कोई कस्टमर आता था. This morning, however, for the first time, Mr. Purcell could recall it failed to ring. लेकिन इस मॉर्निंग क्या हुआ, इस मॉर्निंग को मतलब जिस दिन की बात हो रही है, अब बेसिकली जो स्टोरी स्टार्ट होती है, जिस दिन की बात हो रही है, उस दिन हुआ क्या कि उनको बिल्कुल आवाज़ नहीं आई बेल की, कोई आवाज़ नहीं आई. Simply he glanced up and there was the stranger standing just inside the door as if he had materialized out of thin air. Materialize ka matlab hota hai koi cheez physically banna. To matlab ye itna ajeeb tha, aise laga as if matlab wo bas banda jo hai wo hawa se hi bankar nikla hai. The storekeeper slid off his stool. To abhi kya hua, Mr. Purcell ne dekha ki unke samne to ek banda khada hua hai, ye dekho. To main dikhati hu iska. The storekeeper slid off his stool. From the first instant he knew instinctively, unreasonably, that the man hated him, but out of habit he rubbed his hands briskly together, smiled and nodded. Good morning, he beamed. What can I do for you? So basically, Mr. Purcell ki aadat thi ki unki shop mein jab bhi koi aata tha to aise karke, good morning, what can I do? To badi brightly wo welcome karte the sab. To jaise unne is bande ko dekha, to unko इंस्टिंक्टिवली लगा कि यार ये बंदा मुझे हेट करता है. बट देन एज यूजुअल जो उनका रूटीन था, ये देखिए जैसे इनको वेलकम कर रहे हैं मिस्टर पुरसिल, ठीक है, ये बंदा अचानक ही अपियर हो गया इनकी शॉप में, कोई घंटी बजी नहीं है, नथिंग, और ये देखो इनके पेट्स जो हैं बैठे हुए हैं, आवाज़ें आती रहती हैं, ये देखो डव्स हैं यहाँ पे, डॉग्स हैं, बर्ड्स हैं, देन देर आर रैट्स, देर आर कैट्स, देर आर मंकीज, तो ये सब चीज़ें. द मैन्स शाइनी शूज स्क्वीक्ड फॉरवर्ड. Squeak is like आवाज करते करते आ गया. His suit was cheap, ill-fitting, but obviously new. तो उस बंदे ने जो सूट पहना होता कोट पैंट, वो चीप था, इल फिटिंग था, बट न्यू था. He had a shuttling glance and close cropped hair. तो उसकी जो shuttling glance मतलब इधर से उधर घूमती हुई आंखें, तो उसकी shuttling glance थी और close cropped hair मतलब कटे हुए छोटे छोटे बाल. Ignoring Purcell for the moment, he rolled his gaze around the shadowy shop. तो मिस्टर पुरसल ने उसको वेलकम किया, बट वो आराम से अपना घूम घूम के सब कुछ देख रहा है, उसने उनको इग्नोर कर दिया. तो मिस्टर पुरसल ने दोबारा बोला, a nasty morning, volunteered the shopkeeper. He clasped both hands across his melon stomach and smiled importantly. I see by the paper we're in a cold spell. Now, what was it you wanted? तो मिस्टर पुरसल ने क्या किया कि ट्राई की फिर भी कॉन्वर्सेशन करने की. उन्होंने पूछा कि अरे बड़ी नास्टी मोनास्टी नास्टी समथिंग विच इज़ नॉट गुड, भाई अजीब सी मॉर्निंग है, लगता है बहुत ही ठंड होने वाली है सिटी में. हाँ जी, आपको क्या चाहिए? तो ऐसे करके लाइक इट्स जस्ट अ वे ऑफ स्टार्टिंग अ कॉन्वर्सेशन, राइट?
The man stared closely at Mr. Purcell as though just not aware of his presence. He said, अब फाइनली क्या हुआ कि फाइनली उस बंदे ने जो है मिस्टर पुरसेल को देखा फाइनली दूसरी बारी जब उन्हें बात की. He said, I want something in a cage. मुझे कुछ ऐसी चीज चाहिए जो केज में है. यू मीन सम सॉर्ट ऑफ अ पेट? तो बंदा बोलते हैं आई मैन मीन वॉट आई सेड. तो मिस्टर पुरसेल बोलते हैं वो थोड़े कन्फ्यूज जाते हैं, भाई क्या चाहिए इसको केज में. मिस्टर पुरसेल बोलते हैं शायद आपको कोई पेट चाहिए. तो वो बोलता है, वो बंदा बोलता है आई मीन वॉट आई सेड, लाइक he snapped. Snap is like gusse se bolna. So, you know, he was like not a, he had a very very cold behavior. Something in a cage, something that is small. I see, hastened the shopkeeper. Not at all certain that he did. His eyes narrowed gravely and he pursed his lips. Now let me think. A white rat, perhaps. I have some very nice white rats. तो मिस्टर पुरसेल भी कंफ्यूज जाते हैं, भाई मैं इसको क्या ऑफर करूँ, इसको कुछ छोटा चाहिए जो केज में है. तो बोलते हैं ठीक है आपको मैं रैट्स दूँ, मेरे पास बड़े प्यारे प्यारे वाइट रैट्स हैं. तो वो बोलता है नो 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 आई डोंट वांट नो रैट्स, समथिंग विद विंग्स, समथिंग दैट फ्लाइज. अ बर्ड, एक्सक्लेम्ड मिस्टर पुरसेल. तो वो कहते हैं नहीं नहीं मेरे को रैट्स नहीं चाहिए, मुझे कोई ऐसी चीज़ चाहिए जिसके विंग्स हों, जो उड़ता हो. तो मिस्टर पुरसेल बोलते हैं ओके यू नीड अ बर्ड. तो अ बर्ड्स ऑल राइट. The customer pointed suddenly to a suspended cage which contained two snowy doves. So finally, उस बंदे को doves पसंद आ जाते हैं. तो पूछते हैं हाँ मैं तो देखो क्या cost है उनकी. 550 came the prompt answer, and a very reasonable price. They are a fine pair. 550. The man was obviously crestfallen. तो जैसे ही उस बंदे ने मिस्टर पुरसेल से प्राइस पूछा, तो उसको पूछा कि भाई, उसने बोला कि हाँ भाई मुझे तो ये डब्स चाहिए. तो उन्हें बोला 550. उसने रेट पूछा तो बोलते हैं 550. तो 550 मतलब तो इतने में ना उसका मूड ऑफ हो जाता है, अरे यार इतने पैसे कौन देगा. तो क्रेस्ट फिलन इज लाइक वेन यू आर सैड. ही हेजिडेंटली प्रोड्यूस्ड अ $5 बिल. आई लाइक टू हैव दीज बर्ड्स बट दिस इज ऑल आई हैव गॉट जस्ट $5. तो फाइनली वो कहता है, वो थोड़ा बार्गेन करता है और बोलता है भी मेरे पास तो $5 है, इसमें देना है तो दे दो. मेंटली मिस्टर पुरसेल मेड अ क्विक कैलकुलेशन व्हिच टोल्ड हिम दैट अ 50 सेंट रिडक्शन वुड स्टिल रीप अ टिडी प्रॉफिट. तो अगर 50 सेंट कम भी हो जाते हैं तो भी मेरे को प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, सो इट्स फाइन, ही थॉट मैं बेच ही देता हूँ. ही स्माइल्ड मैग्नानिमसली जेनरसली. तो क्या बोलते हैं आगे से, माई डियर मैन इफ यू वॉन्ट देम that badly, you can certainly have them for $5. I'll take them. He laid his $5 on the counter. Mr. Purcell trotted on tiptoe, unhooked the cage and handed it to the customer. Trotted is like थोड़ा सा unbalanced होना. Tiptoe is like अपने toes पे खड़े होके उन्हें cage उतारा Mr. Purcell ने और उसको पकड़ा दिया. Okay. The man cocked his head on one side, listening to the constant chittering, the rushing scurry of the shop. That noise, he blurted का मतलब होता है बोलना. Doesn't it get you मतलब तुम इसे इरिटेट नहीं होते हो. Noise? What noise? Mr. Purcell looked surprised. He could hear nothing unusual. तो Mr. Purcell बोलते हैं noise? कैसा noise? भाई क्या noise? Nothing like that. मुझे तो कुछ unusual नहीं लग रहा. The customer glared. I mean all this caged stuff drives you crazy, doesn't it? तो वो बंदा बोलता है अरे इतना सब केजेस जो है आपकी शॉप में, आपको ये क्रेजी नहीं कर देते, अजीब ही लगता है आपको. डजंट इट ड्राइव यू क्रेजी? मिस्टर पुरसेल ड्रू बैक. ईदर द मैन वाज इनसेन और ड्रंक, ही सेड हेस्टीली. यस यस सर्टेनली आई गेस सो. तो मिस्टर पुरसेल सोचते हैं तो बंदा अजीब ही है, पागल है, कितने अजीब अजीब सी बातें कर रहा है. तो वो भी बेचारे हाँ में हाँ मिलाने के लिए बोलते हैं या डेफिनेटली ड्राइव मी क्रेजी. लिसन, द स्टेयरिंग आईज केम क्लोजर. How long do you think it took me to make the $5? तो वो पास आते बोलते सुनो तुम्हें क्या लगता है मुझे कितना टाइम लगा है $5 कमाने में. The merchant wanted to order him out of the shop, but oddly enough he couldn't. He heard himself dutifully asking, why, how long did it take you? तो बोलता है अब बेचारे मिस्टर पुरसेल जो है वो बेचारे तंग आ चुके हैं, उसको तो मन करता है मैं इसको धक्का मार के निकाल दूँ, तो बट नहीं कर सकता है, कस्टमर है. बोलते हाँ कितना टाइम लगा आपको. Okay, the other laughed. 10 years at hard labor, 10 years to earn $50, 50 cents a year.
तो बोलते हैं 10 साल लगे मुझे ये $5 $5 कमाने में. इट वॉज बेस्ट, मिस्टर पुरुसल डिसाइडेड टू ह्यूमर हिम. माय 10 years, दैट्स सर्टेनली अ लॉन्ग टाइम नाउ. दे गिव यू $50, लाफ्ड द मैन, एंड अ चीप सूट, एंड टेल यू नॉट टू गेट कॉट अगेन. तो अजीब अजीब सी बातें कर रहे, कहते हैं आप तुम्हें $50 देते हैं और एक चीप सा सूट देते हैं और बोलते हैं दोबारा पकड़े मत जाना. मतलब मिस्टर पुरुसेल को भी अजीब लगा कि ये क्या है, कोई प्रिजनर है, कोई कैदी है जो जेल से निकल के आया है, क्या है क्या नहीं. मिस्टर पुरुसेल मॉप्ड हिज स्वेटिंग ब्राउ, मॉप्ड मतलब क्लीन. तो उनको ना बेचारे को डर से ऐसे डर अजीब लगने लगा, वो बेचारे को डर से पसीना आने लगा, तो उसने अपनी ब्राउ साफ की. नाउ अबाउट द केयर एंड फीलिंग ऑफ द डव्स आई वुड एडवाइस. तो अब उनने सोचा चलो टॉपिक चेंज करता हूँ, तो बोलने लगे ये जो डब्स हैं इनकी केयर और फीलिंग के लिए मैं आपको बताता हूँ. बाह, द मैन स्वंग अराउंड एंड स्टॉप्ड अब्रप्टली फ्रॉम द स्टोर. तो उसने बोला छोड़ो, और वो स्टॉप्ड इज लाइक वॉक्ड आउट अब्रप्टली. तो वो अचानक जो है स्टोर से बाहर निकल के चला गया. मिस्टर पुरुसेल साइडन विद सडन रिलीफ, ही वैडल टू द विंडो एंड स्टेयर आउट. तो मिस्टर, अब ये मिस्टर पुरुसेल रिलीव हो गए, चलो शुक्र है निकल गया यहाँ से. तो वो वैडल इज लाइक चल के जाना, तो विंडो की तरफ चल के गए और बाहर जाकर देखा कि ये पागल जा भी रहा है कि नहीं. तो अब देखो उसने बाहर जाकर क्या देखा. जस्ट आउटसाइड इज पिक्यूलियर कस्टमर, जस्ट आउटसाइड इज पिक्यूलियर इज समथिंग जो कि अजीब होती है. कस्टमर हैड हॉल्टेड, हॉल्टेड मीन स्टॉप्ड. ही वॉज होल्डिंग द केज शोल्डर हाई, उसने ऐसे करके केज पकड़ा हुआ था. स्टेयरिंग एट हिज परचेज, देन ओपनिंग द केज ही रीच्ड इनसाइड, ड्रू आउट वन ऑफ द डब्स, ही टॉस्ड इनटू द एयर. तो उसमें बंदे ने क्या किया, अंदर गया, ये देखो केज में उसने हाथ डाला, केज खोला और एक डब को निकाला बाहर और उड़ा दिया. और फिर ही ड्रू आउट द सेकेंड वन एंड टॉस्ड इट आफ्टर द फर्स्ट, तो उसको भी निकाला और उड़ा दिया. दे रोज लाइक विंड ब्लोन बॉल्स ऑफ फ्लफ एंड वर लॉस्ट इन द स्मोकी ग्रे ऑफ द विंट्री सिटी. तो वो जो थे वो भी उड़ के चले गए. फॉर एन इंस्टेंट द लिबरेटर वॉज साइलेंट एंड फेल्ट एंड लिफ्टेड गेज वॉच देम, देन ही ड्रॉप द केज, ही शव्ड बोथ हिज हैंड्स डीप इन हिज ट्राउजर पॉकेट, हंच्ड डाउन हिज हेड एंड शफल्ड. तो फाइनली उस बंदे ने किया क्या कि भाई उनको उड़ा दिया और वहाँ से जो है अपने हाथ चाप साफ करके चला गया. अब मिस्टर पुरुषन सोच रहे हैं इस पागल ने ऐसा किया क्यों, सोचो इसने ऐसा क्यों किया होगा, थिंक. यही स्टोरी है, स्टोरी एंड हो गई. चलो बच्चों और भी डिटेल जाननी है तो अन अकेडमी की सब्सक्रिप्शन खरीदो, लाइव एजुकेटर्स मिले, लाइव घर बैठे बैठे पढ़ने का मौका, सभी कोर्सेज का एक्सेस, टॉप एजुकेटर्स, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन और बहुत सारे फीचर्स. और ये सब कितने में, 2 साल 25,000, 18 महीने 20,000, 15 महीने 18,000. और इस प्राइस पर 10% डिस्काउंट यूजिंग माई कोड SOS10. Then, बच्चों आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में क्या क्या फीचर्स हैं, यहाँ पे पर्सनल मेंटोर, लाइव डाउट सॉल्यूशन सेशन, वीकली रिपोर्ट कार्ड, पेरेंट कनेक्ट और बहुत कुछ. और कितने में, 2 साल 48,000, 18 months 35,000. और इस प्राइस पर 10% डिस्काउंट यूजिंग माई कोड SOS10. And don't forget to use SPSO10 to attend my special classes or anybody's special classes on the Unacademy app. Thank you so much, bachcho. Take care of yourself. I'll see you again tomorrow. Like, share and subscribe. Bye-bye. Love you all.